सांसद कौशल किशोर जी यहाँ देखने आते हैं, उनका जो विधायक जी है अमरेश राव को भी देखने नहीं आते हैं, कम से कम गड्ढे भर में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा पास हो गया है, पैसा पास हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कभी एक्सीडेंट हो गए, कितना आदमी परेशान हुआ है, हमारी दुकान के सामने एक्सीडेंट हुआ, दो लोगों की खत्म हो गई हूँ। मैं भाजपा का पक्का सपोर्टर हूँ, मगर यहाँ से कौशल किशोर और ये अमरेश रावत इनको जवाब जनता देगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं कि विकास की राह में रोड अहम भूमिका निभाती है, अगर सड़क अच्छी है तो विकास क्षेत्र का होगा, विकास की राह में सड़क अगर रोड़ा बनेगी तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के खुजौली और नगराम मार्ग पर। ये मार्ग बताया जाता है कि नगराम से निकलता है और खुजौली जाता है, उसके बाद ये जेल लखनऊ मोहनलालगंज कई जो है सीधा लखनऊ शहर को जोड़ता है, और बताया था ये मार्ग कई सालों से जर्जर पड़ा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि रोड की जो है हालत दिखाए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जल भराव है, रोड पे जो है ईंटें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर आवागमन नहीं हो पाता लोगों का, बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इनसे कहेंगे देखिए यहाँ पर ईंटें डाल दी गई, इस रोड पे ईंटें भी डाल दी गई हैं रोड पाटने के, लेकिन रोड जो है बन नहीं रही है, काफ़ी समय से रोड जो है जर्जर पड़ी हुई है, और लोग आप देख रहे हैं बाइक से भी आते हैं लोग, देखिए किस तरीके से लोगों को निकलना पड़ता है। एक मिनट भाई साहब रुकिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू सिंह है। पिंकू सिंह, ये रोड कब से जो है जर्जर पड़ी हुई है? करीब एक साल से। एक साल से जर्जर पड़ी हो गया? एक साल से ज़्यादा हो गया है। ये कितने किलोमीटर जर्जर होगी? ये कम से कम 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, तो क्या इस पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इन्हें, कोई नहीं ध्यान, पास हो गया है, पैसा पास हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितना आदमी परेशान हुआ है, हमारी दुकान के सामने एक्सीडेंट हुआ था, दो लोगों की ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। कितने दिन पहले हुआ था? यही करीब 6 महीने पहले। 6 महीने पहले, तो क्या चाहते, रोड बन जानी चाहिए? रोड बन जाती है, शहर को जोड़ती है रोड, ये मेन रोड है, इससे ज़्यादा रोड कोई चलती नहीं, हर आदमी लेबर वर्क मेलमथा जाता है, मोहनलालगंज जाता है, लखनऊ जाता है, शहर को जोड़ती है रोड, शहर को जोड़ती है, मेन लखनऊ से अटैच है ये, मेन अटैच, कैंट होते हुए हजरतगंज जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं आप, मेन शहर को जोड़ती है, फिर भी जो है लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही बरती जा रही है। क्या नाम है भाई साहब? नवीन श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव, किस गांव के रहने वाले? यही गांव के रहने वाले। कौन सा गांव है? भट्टी बरकर नगर। ये रोड कब से जर्जर हो? अरे भैया साहब कहा बता दें, बहुत परेशान है, बहुत परेशान जनता, देखो घंटा तक समय बन गए, बस आठ मिनट का तेज आदमी गाँव गिर जाए के, क्या है कि लापरवाही बरती? हाँ लापरवाही चल रही है, जिम्मेदार, हाँ हाँ उनके उन्हें कारण है, वही यही वही चीज़। गांव-गांव में जो पानी की टैंक बनी है, उससे कई हादसा हुए हैं भाई, नाली खोद के डाल दिए, पाइप भी नहीं डाले, जो पाइप डाले पटवाई भी नहीं उसको देकर वहीं, अभी हमारे गांव में जो है एक जो है कल भैंस गिर गई थी। अच्छा ये जो इसमें देखा जा रहा रोड पे ईंटें वगैरह डाली गई, ये कौन लोग डलवाते हैं? दो हम लोग, हमारे निजी भट्टा हमारे दो इनको डलवा दी थे, आप किचर हो गया डलवा था, हमारे भट्टे ने जी है मंगलम भट्टा हमारे पास। अच्छा तो वही लोग डलवा, हाँ हमारे डलवा दिए थे, गड्ढा कम हो जाए, लोग आने जाने, हाँ दिक्कत ना हो, ज्यादा गड्ढे थे, हाँ बहुत बड़े गड्ढा था साहब, क्या करें। तो बिल्कुल साफ तौर का पे यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, काफ़ी दिनों से जर्जर पड़ी हुई है जो रोड शहर को जोड़ती है, और यहाँ से भारी संख्या में लोगों का आवागमन भी होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी और जो है जिम्मेदार सरकार के जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हादसे भी होते हैं यहाँ इस रोड पे, और लोग जो है बता रहे हैं कि कुछ मौतें भी हो चुकी हैं इस सड़क दुर्घटना में। यहाँ पे क्या नाम? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार कहाँ से के रहने वाले? हम यहाँ पास के हरदेव के पास के हैं, मीटिंगपुरा यहाँ आए हैं घूमने। हाँ घूमने नहीं आ रहे, आते हैं इधर आप? हम तो आते जाते रहते हैं 10-15 दिन में। रोड कब से खराब होगी? रोड तो हो गए 6 महीने से धीरे धीरे, और बरसात में तो आप देख रहे कितनी हालत खराब है, बिल्कुल साफ तौर पे काफ़ी समय से रोड खराब है। लोगों का कहना है कि रोड जो है बनवाई नहीं जा रही है, रोड पे चलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है भाई आपका? सलमान।
कहाँ के रहने वाले? ये ग्राम सभा देवती से। देवती से जी। ये रोड कब से जर्जर होगी? ये तो लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया। 10 साल से ज़्यादा हो गया जी। ऐसे ही रोड है? ऐसे बहुत ख़राब है, यहाँ से नगराम तक बहुत ख़राब है। कई किलोमीटर खराब होगी? लगभग होगा 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर जी। तो आप लोग को डेली आना जाना होता है, हादसे भी होते होंगे? जी बहुत ख़राब, यहाँ गड्ढे गिरते रहते हैं लोग बारिश में भी। हम लोग गिर सके? आप लोग भी गिरते हैं जी। चोटिल हुए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। इसी गांव के रहने वाले जी। तो आप कब गिर गए थे इस रोड पे? हमको हो गया कम से कम 1.5 महीना हो गया। चोट लगी थी? हाँ। तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और लोग गिर कर चोटिल होते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी, आप इसी कौन सा गांव है? ये भट्टी वर्गा लगा भोजपुर में प्रधान उस गांव का। इसी गांव के? अच्छा दादा, ये जो खुजौली और नगराम मार्ग है ये क्या किलोमीटर का होगा? ये कम से कम 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ये कब से जर्जर है? ये 3रा साल है एकदम जर्जर है। और सरकार की नाक पे रोड है, कोई दूर नहीं है, 3-3 फुट के गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, मौतें हो रही हैं इसमें। मौत भी हो रही है? हाँ, कोई देखने वाला नहीं, हादसे हो रहे हैं, किसी पैर टूट रहा, किसी हाथ टूट रहा, कोई क्या है। अच्छा, इस रोड पे पहले आवागमन ज़्यादा था, टैक्सी वगैरह भी चलती थी, अब बताते बंद हो गई है सब? अब कोई साधन चल ही नहीं रहा, जब से डंपर मिट्टी ये आपका किसान पर बना है, मिट्टी ले जाके सब रोड गड़बड़ कर दिए। इस पर अब टैक्सी वगैरह नहीं चलती? कोई नहीं साधन चल रहा, केवल मोटरसाइकिल से निकलना मुश्किल है। निजी साधन से ही लोग चलते हैं? बस नहीं, साधन चल रहे हैं। ये पहले आवागमन इस पर भारी था? बहुत भारी था इस पर। अब जो है न सांसद कौशल किशोर जी यहाँ देखने आते हैं, उनका जो विधायक जी हैं अमरेश रावत वो भी देखने नहीं आते हैं, कम से कम गड्ढे भर जाएं। बताया जा रहा है कि रोड बनने के लिए पास हो चुकी है लेकिन अभी ज़मीन पे कोई काम दिख नहीं रहा। जनता नहीं समझेगी पास होगी नहीं पास होगी, जब बन जाएगी तब जाने की पास हो गई इनका। ये जो है, मैं राकेश तिवारी हूँ, मैं भाजपा का पक्का सपोर्टर हूँ, मगर यहाँ से कौशल किशोर और ये अमरेश रावत, इनको जवाब जनता देगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी? बिल्कुल, जनता जवाब देगी इनको, क्योंकि जनता काफ़ी पीड़ित है इस रोड से। बहुत पीड़ित है, आक्रोश है लोगों में, आक्रोश। हाँ, अच्छा, आप लोगों के द्वारा आप भी जनप्रतिनिधि रहे, इसकी कहीं शिकायत की गई थी कभी? शिकायत इसकी किससे किया जाए? नहीं, जैसे कि आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौशल किशोर का नाम ले रहे हैं। नहीं, हमने शिकायत कहीं नहीं किया। अच्छा, और शिकायत करने की जरूरत नहीं, जिससे पूरी देश दुनिया चल रही है उसे वह भी निकल जाता।